बायोलॉग फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 7 ड्रॉप आउट हो चुका है, लेकिन इन्होंने हद कर दी। मेकर्स अब फुटेज खा रहे हैं सारे, कुछ कुछ चीजें खींचने का काम कर रहे हैं। दिखाने को बहुत कुछ है इन लोगों के पास अभी, लेकिन कछुआ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। चलो एपिसोड 7 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एंड थैंक यू, ऐसे ही आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो। शुरुआत करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां फातिमा का अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हो चुका है, और फातिमा को कहा जा रहा है कि समटाइम होता है यू आर नॉट मेंटली स्टेबल। फातिमा पर यकीन नहीं कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फातिमा अब सही में फ्रस्ट्रेट होते नजर आई है, क्योंकि बार बार वो खुद को एक्सप्लेन कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है और ये जो क्रेविंग्स मुझे अंदर ही अंदर हो रही हैं भाई, वो मुझे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, अंदर ही अंदर खाने की कोशिश कर रही हैं। उधर बॉयड एंड क्रिस्टी के बीच में भी थोड़ा बहसबाजी होते नजर आए, जो हमने प्रोमो में भी देखा था। जहां माहौल पूरा फ्रस्ट्रेशन का देखने को मिल रहा है, वो क्रिएचर की बात सच होते नजर आ रही कि बॉयड ये जगह तुम्हें ब्रेक कर रही है या नहीं। यस, बॉयड को भी ये जगह अब ब्रेक करने लगी है, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड फील कर रहा है, जो हम यूजुअली देखा नहीं करते थे। उधर जूली रैंडल से वन ऑन वन होना चाहती है, और जूली का रैंडल के लिए एक न्यू अट्रैक्शन देखने को मिला, वो यंगर टीनेज प्रॉब्लम जो फील हो रहा था कि जूली रैंडल को लाइक करने लगी है एंड एफर्ट भी मार रही है उसके साथ। उधर जिम वही ओल्ड सेटलमेंट्स में फूड लेने गया था, एंड वो सब अपनी पैकिंग कर ही रहे थे कि जिम देखता है टैबिथा, जेड एंड ईथन भी यहाँ आ चुके हैं, यानी उन्हें ज्वाइन कर चुके हैं। सरप्राइजिंगली उन्हें, क्योंकि इस चीज़ का उसे एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। एंड तभी एक बार फिर टैबिथा और जिम के बीच में फिर से बहस देखने को मिलती है, क्योंकि जिम चाहता है वो ये रिस्क ना ले, दोबारा से टैबिथा को नहीं खोना चाहता। लेकिन टैबिथा उसे समझाती है कि ये प्लेस मुझसे फेमिलियर है, जिसे मैं अपने ड्रीम में बार बार देखा करती थी जब मैं छोटी थी, एंड इट्स नॉट ए नाइटमेयर, इट्स ए रेगुलर ड्रीम, जिसके बाद मैं स्क्रीम करते उठा करती थी। एंड तभी सभी लोग उन्हीं 3 जायंट रेड स्टोन के पास चले जाते हैं, जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगे हुए हैं एक ट्राइंगुलर शेप में, जहाँ टैबिथा पूरा मंजर रिकॉल करते हुए बताती है कि यहाँ मैं आया करती थी इस जगह से, और इस पत्थर के पीछे छुपा करती थी, लेकिन जब मैं ऊपर देखा करती थी और डर से चिल्लाती थी, तभी उसकी नींद टूट जाया करती थी, और किससे डरा करती थी वो उसे भी नहीं पता। जहाँ जेड ये एक्सपेक्ट कर रहा था शायद टैबिथा अब वो वन नाइट ब्लड ड्रिंकर का मेंशन करेगी, जिसे उसने देखा था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं भी चाह रहा था कि शायद वो इसका मेंशन करे, शायद वो जो जिससे डर रही है शायद वही हो। देखते हैं वो आगे क्या होता है। तभी जेड अपना पॉइंट रखता है कि साइड टैबिथा भी चूज करी गई है जस्ट लाइक मिरांडा, क्योंकि यहाँ आने से पहले सेम चीजें मिरांडा के साथ भी घटित होती थी। बाकी ईथन जेड से इन एंशियंट स्टैचू यानी टॉटहैम के बारे में पूछता है, जिसका ब्रीफ था कि शायद यहाँ के लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया हो, एंड बस इस पार्ट में इतना ही था, जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट था कि कुछ नया निकलेगा। इतना तो हमने भी अपनी थ्योरी वीडियो में ही कवर कर लिया था बाबा। आगे बढ़ते हैं। लेडी पुलिस का जो कैरेक्टर था भाई, बहुत इंप्रेसिव देखने को मिला। जस्ट लाइक बॉयड, सी आल्सो अ टफ गाय, जो एक्चुअली एक सर्वाइवर एटीट्यूड के साथ प्लेस डिकोड करना चाह रही है और कोशिश भी कर रही है। सी इज आस्किंग क्वेश्चन जो यहाँ वाकई में टाउन के बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एक हिंट मिला कि ये लेडी पुलिस का कैरेक्टर कुछ सॉलिड रोल प्ले करने वाला है आगे जाकर इन फ्यूचर, जिसकी बात डाइनर में कैनी से होती है, जहाँ अगेन हमें डाइनर का म्यूजिक बॉक्स बजते नजर आया। ये म्यूजिक बॉक्स की भी मिस्ट्री अलग है बाबा, इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे, कुछ तो साइन है यहाँ पर भी। उसके बाद लेडी पुलिस का झड़प अपने बॉयड भाई से होती है, और ये नजर आया पहली बार ऐसा लगा कि जो बॉयड को टक्कर दे सकता है ये लेडी पुलिस है, क्योंकि बॉयड का एटीट्यूड एक बार के लिए एरोगेंसी वाला एटीट्यूड देखने को मिला। देन ये लेडी पुलिस अपनी गन लेती है और वहां से निकल जाती है। इतना ही पार्ट था ये भी। लेकिन मेन प्लॉट जो एक्चुअली स्टोरी की काया पलटने वाला है वो है एल्जिन के साथ। कैमरा मैजिकल है बाबा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, और कैमरे ने अपने आप ही फोटो क्लिक करके निकाली, वो भी उसी सेलर बेसमेंट की जो हम प्रोमो में देख रहे थे। एल्जिन उस सेलर के अंदर जाता है एंड वहाँ बहुत से खुफिया दरवाजे भी देखता है, एंड पाता है एक छोटा सा अंडरग्राउंड रूम भी है वहाँ, जस्ट लाइक हाइडिंग रूम जो पहले बनाए जाते थे किसी बिग वॉर के दौरान छुपने छुपाने के लिए। एंड एक डिकिंग बॉडी भी मिलती है उसे, जो काफ़ी पुरानी लग रही है और एक मेल बॉडी ही लग रही है। इसी के साथ अगेन किमिनो वुमेन उसको नजर आती है यानी मिलती है, एंड उसका कहना था कि यही शायद तुम मुझे लाना चाहती थी क्या। लेकिन इस पार्ट में बहुत रहस्य छुपा है जो हम ब्रेकडाउन वाली वीडियो में आगे बात करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। और ये डिकिंग बॉडी कहीं किमिनो वुमेन के हस्बैंड की तो नहीं, क्योंकि ऐसे अंडरग्राउंड बेसमेंट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाए जाते थे, तो आप समझ रहे हो पास का कितना हैवी कनेक्शन है इस प्लेस से, तो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात करेंगे इस पे आगे। उसके बाद जूली का रैंडल की तरफ क्लोज जाना दिखा, जो बस
यूं ही चिल राइडिंग के लिए वैन से निकल गए हैं टाउन से बाहर दूर, लेकिन रैंडल को वही मधुमक्खी एंड बग्स वाली प्रॉब्लम फिर महसूस हुई जो हमने एपिसोड 4 में देखा था। रैंडल को वो जो क्रिएचर का इंजर्ड करने से पहले वाला मोमेंट, जहां वो जूली से भी कहता है कि तुम्हें ये बग्स नहीं दिख रहे क्या, जूली मना करती है, और ये सब वहां हुआ जब वो दोनों ड्राइविंग करते करते उस डंजियंस प्लेस तक पहुंच गए जहां डांसिंग एंड सिंगिंग डॉल का स्पेल से मैरियल, जूली एंड रैंडल की आत्माओं को कैद करा गया था सीजन 2 में, एंड दे फील सम एनर्जी फ्रॉम दिस प्लेस जो उन्हें अपनी तरफ खींचकर ला रही थी। इस पर भी ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसमें भी काफी रहस्य छुपा हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड के सबसे सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग मोमेंट पर, यस फातिमा के पार्ट पर, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है, उसका यकीन नहीं कर रहे हैं, जो बार बार एलिस से भी कह रही है कि मेरे पेट पर कुछ है, आई कैन फील इट, पर ये लोग उसे कंफ्यूज कर समझ रहे हैं, मेंटली अनस्टेबल समझ रहे हैं। जहां भयंकर ट्रॉमा यानी क्रेविंग्स हमें देखने को मिलती है फातिमा के साथ बुरी वाली, जहां उसका पेट सूखते नजर आए, इट लुक लाइक कि जो भी चीज उसके पेट में है वो उल्टा फातिमा को खाने की कोशिश कर रही थी। देखो ये तो तय है कि फातिमा के पेट में इविल मॉन्स्टर है, मतलब इविल मॉन्स्टर बेबी, और उसने अपना साइन दे भी दिया। उसके बाद फातिमा उस गोदाम में चली जाती हैं जहां रॉटन बेजीज रखी हुई हैं, जो वही मॉन्स्टर बेबी फातिमा को यहां तक लाया होगा, डायरेक्ट किया होगा, क्योंकि फातिमा ने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था। तो ये फातिमा का पेट सुखाना साइन देता है कि मॉन्स्टर बेबी को फूड चाहिए, वरना वो फातिमा को ही खा जाएगा। अगेन फातिमा जब उन रॉटन बेजी को खाने से रिफ्यूज करती है, उसे फिर से क्रेविंग उठती है, वो भी बुरी वाली, तभी टिली भी आ जाती है और फातिमा को संभाल ही रही थी, इतने में फातिमा ने फ्रस्ट्रेशन में स्क्रू ड्राइवर टिली को मार देती है। एंड ये था अमेजिंग पार्ट इस एपिसोड का, जो एंडिंग वाला मोमेंट था, जो फातिमा को एक किलर लुक देखने का मिला यहाँ पर, और टिली मर जाती है ऑन द स्पॉट। लेकिन टिली मरते मरते एक बात फातिमा से कहेगी कि फातिमा रन, एंड तभी एलिस भी ज्वाइन करता है फातिमा को। तो बाबा ये सब फातिमा से मॉन्स्टर बेबी ही करवा रहा है, नो डाउट। बाकी इस एंडिंग में बहुत से रहस्य छुपे हैं जो एंडिंग एंड ब्रेकडाउन वाली वीडियो में आगे बात करेंगे, बट टिली का ये कहना फातिमा को कि रन फ्रॉम व्हाट, किससे रन, आगे बात करेंगे। बस यही था एपिसोड 7 में, बाकी ब्रेकडाउन वाली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर साइन 2-3 जगह पर, लाइक एल्जिन पार्ट पर, लाइक इस एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर, एंड वो रैंडल एंड जूली का वहाँ डंजन प्लेस में पहुँचने वाले पार्ट पर, एंड 3 स्टोन्स रेड स्टोन्स जहाँ पर टेविथा जिम सब पहुँच चुके हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर एपिसोड 7 आपको देखना है फ्री में, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।